गुरनानकपुरा ईस्ट की गली नंबर 5 में रहने वाले तेजिंदर पाल सिंह ने जलंधर शहर का नाम न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन किया है, क्योंकि तेजिंदर पाल सिंह साउथ अफ्रीका में होने जा रहे इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग लेने वाले भारतीय टीम में चुने गए हैं। तेजिंदर पाल सिंह, जो कि आंखों से देख नहीं सकते, ने 5वीं कक्षा से ही अपने कोच एमएल मिश्रा के कहने पर क्रिकेट खेलना शुरू किया और जिला ही नहीं राज्य स्तर पर क्रिकेट खेल के माध्यम से कई पुरस्कार हासिल किए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजिंदर पाल सिंह ने बताया कि वह साउथ अफ्रीका में होने जा रहे इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में होने वाले मैचों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी इस उपलब्धि पर उनके पारिवारिक सदस्य व दोस्त बेहद खुश हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। मेरा नाम तेजिंदर पाल सिंह, मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट जलंधर मोहल्ला गुरु नानकपुरा 7 नंबर गली ईस्ट का रहने वाला हाँ। तो मेरा इंटरनेशनल ब्लाइंड वर्ल्ड कप वास्ते इंडिया टीम दे विच सिलेक्शन होया है, जिदे करके कि मैनू बहुत ज़्यादा ओपरचुनिटी मिली अपने परिवार वालों, तो सारे दोस्तों फ्रेंड्स और ब्रदरस वालों। तो हूँ जोड़ा मेरा पिछंकड़ है वह मेरा देहरादून NIBH मॉडल स्कूल तो जितों मैं अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। तो जोड़े मेरे कोच से ML मिश्रा, उन्होंने मैं क्रिकेट वास्ते बहुत उत्साह उतों ही मैं फिफ्थ क्लास में सी जो मैं स्कूल लैवल, फिर उस तो बाद डिस्ट्रिक्ट लैवल, स्टेट लैवल, सारा UP वालों खेडिया। फिर उस तो बाद मेरी उत्थे की शिक्षा पूरी हो गई। 12th के मैं चंडीगढ़ आ गया अपना पढ़न वास्ते, चंडीगढ़ DAV कॉलेज के मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई। मेरा जोड़ा अगला टारगेट है वह साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप जोड़ा केपटाउन के हो रहा 27 तरीक न सा पहला ही मैच जोड़ा कि इंडिया वास्ते तो बहुत ही ज़्यादा टफ आते असं हूँ तैयारी कर रहे हैं। तो वास्ते साडा इंडिया का कैंप भी 1 तरीक तो लग रहा उड़ीसा कटक के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਣਾ ਹੈ।